गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास फिफ्थ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, उनकी जनरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों हम मनुष्यों का भी पीढ़ियाँ होते हैं, जैसे हमारे दादा दादा के दादा, ठीक है, पापा, तो जो हमारी पीढ़ियाँ होती है सेम वैसे कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ हैं। ओके, तो हम आज कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ओके, देयर आर फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुल पांच पीढ़ियां हैं अभी तक। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, इसका पहला पीढ़ी है 1942-1956, 1940 से लेकर 1950 तक का जो है समय है, ये फर्स्ट जनरेशन में आता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, जो किस चीज पे बेस्ड है, ये वैक्यूम ट्यूब पे है। ठीक है, किस पे? वैक्यूम ट्यूब। ओके, ये वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, दिस कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट सर्किटरी फॉर द सीपीयू एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर द मेमोरी। ठीक है, इस कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चलने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ठीक है, यही है आपका वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, इस तरीके से जो वैक्यूम ट्यूब होता था, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर एक रूम का पूरा जगह लेता था, जिसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था इनेक, जो कि 1800 स्क्वायर फीट का जगह लेता था। कितना? 1800 स्क्वायर फीट का जगह लेता था और उसका वेट लगभग 27 टन था। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब जो यूज होता था उसमें वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, लेता था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता था और डेटा स्टोर बहुत थोड़ा करता था। ठीक है, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण। ठीक है, पहला पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है? इनेक, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये पहला पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसका नाम इनेक था, जिसको बनाने वाले जॉन एकर एंड जॉन माउस ने बनाया था। ठीक है, दूसरा है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। थर्ड है IBM 701। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IBM एक अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इट्सैक, इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको बनाने वाले जॉन वॉन न्यूमॉन, ठीक है, इन्होंने बनाया था इसको। और इडबैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जॉन एकर और जॉन मोस्ले ने ही इसको बनाया था। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड जनरेशन की तरफ। 1956 से लेकर 1963 तक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था। ठीक है, इस जनरेशन में कंप्यूटर को ऑपरेट चलाने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वेयर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब को चेंज करके किसको ला दिया गया? ट्रांजिस्टर को। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो कि इन्वेंट किया गया था 1947 में। ओके, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स है IBM 7094, CDC 3600। ठीक है, यूनिवैक 1108 एंड CDC 1604। ठीक है, 48 बीट का था। ये है सभी एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ओके, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के दौरान ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप हुआ था। ठीक है, जिसमें बेसिक जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उनमें से पहला था कोबोल, जिसे हम बोलते हैं कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, और दूसरा क्या है? फोल्ट्रॉन।
ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज थे, ठीक है। फोरट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ओके। यह है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। यह आकार में पहले जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसके आकार में छोटा था, ठीक है। ये हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। और ये उसमें ये ट्रांजिस्टर होते थे जो कॉपी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए चलाए जाते थे, ओके। आते हैं नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट होता है 1964 से लेके 1964 से लेके 1971 तक थर्ड तीसरा पीढ़ी का कंप्यूटर का समय था। ये किस चीज़ पे बेस्ड था? ये ICP यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था, जो कि इन्वेंट किया गया था 1958 में 1958 में किसके द्वारा? जैक किल्बी के द्वारा, ठीक है। इस जनरेशन के एग्जांपल्स हैं PDP-8, PDP-11, ठीक है। PDP का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, ICL, ठीक है, 2900। ICL का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, IBM, तो आप जानते ही हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 360 और IBM 370। ये थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। इस जनरेशन में कंप्यूटर को चलाने के लिए IC का प्रयोग किया गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता था और उसके काम करने की स्पीड भी ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा तेज थी। इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह पे IC का उपयोग किया गया, ठीक है। ये था आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, ओके। अच्छा, जनरेशन क्यों डिवाइड किए गए? जनरेशन क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव होते गए। जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। अब उसकी जगह पर जब ट्रांजिस्टर आ गया तो इसलिए बदलाव किया गया और वो आ गया सेकेंड जनरेशन में। फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर चला, तो फिर आगे चल के जब इन्वेंट हुआ आपका IC तो चेंज कर दिया गया, तो उसको थर्ड जनरेशन में ला दिया गया, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये 1971 से लेके प्रेजेंट अब तक, 1971 से लेके प्रेजेंट अब तक है, ठीक है। किस चीज पे बेस्ड है? माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है, इससे हम बोल सकते हैं इसमें VLSI बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये चीजें जो हैं जो कि कंप्यूटर की स्पीड को, काम करने की स्पीड को उसको तेज बनाते हैं, ठीक है। तेज और कम समय में अच्छा काम करते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर IBM PC इंटेल 4000 डेक 10 और स्टार 1000, ये थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, सर्किट। VLSI सर्किट हैड अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर एंड दियर सर्किट एलिमेंट्स ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है। जो अलग अलग ट्रांजिस्टर जो लगे होते थे पहले के जनरेशन के कंप्यूटर में, अब क्या हुआ VLSI में को छोटा करके उस VLSI जो चिप, ठीक है, सिलिकॉन की जो चिप थी उस पर उसको फिट किया गया, ठीक है। जितने ही ज़्यादा उसमें ट्रांजिस्टर लगे होंगे वो उतना ही तेज माइक्रो प्रोसेसर उसका काम करेगा, उतना ही तेज वो कंप्यूटर काम करेगा, ओके। ये थे आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? ये इसका डेट पहले देखते हैं, 1980 से लेके 1980 से लेके टिल डेट अब तक एंड बियॉन्ड, और आने वाले समय का भी जो होगा वो फिफ्थ जनरेशन में ही आएगा, ठीक है। ये टोटली बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ओके, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ये फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है टोटली किस पे डिपेंड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और अभी भी इस अंडर डेवलपमेंट, अभी भी इस पे काम, इस जनरेशन पे काम चल रहे हैं, ठीक है। अभी AI होता क्या? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI इज इमर्जिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच ट्राइज टू मेक कंप्यूटर्स थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर को इस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो मनुष्य की तरह सोचे समझे, ठीक है।
इसके पहले जनरेशन में क्या है, कंप्यूटर हम जो कमांड देते हैं सिर्फ कंप्यूटर वही करता है, ठीक है। बट इस जनरेशन के कंप्यूटर को इस तरीके से डेवलप करने की तैयारी चल रही है, कोशिश हो रही कि वो भी क्या करे, मनुष्य की तरह सोचे, वो काम को करे। इन दिस जनरेशन ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इज यूज। इस जनरेशन में ULSI जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल का आप झलक देख सकते हैं आप अपने मोबाइल में, जब 20 की बटन को जो टच होते हैं, 20 की बटन को कुछ समय तक प्रेस किए रहते हैं तो गूगल असिस्टेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है। वो किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। जैसे कि हम उसको कुछ भी बोलते हैं वो उसका थोड़ा सा झलक हमें आर्टिफिशियल का दिखता है कि हमारे कामों के द्वारा जैसा हम उसको बोलते हैं उस हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। ओके, इस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक, ये सभी क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। ओके, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, चैप्टर 2। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको करने हैं, जो हमने बताया उसी में से ये आंसर आपको करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को किया जाता है। ओके, पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में, इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो पहला जनरेशन का कंप्यूटिंग डिवाइस कंप्यूटर कौन सा है? इसमें यूनिविया क्या है? NCALPTC, तो क्या होगा? ए, यानी कि यूनिवैक, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ AI मैंने अभी जस्ट बताया आपको, तो इसका आंसर क्या होगा? B, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। थर्ड क्या है? इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, IC को किसने इन्वेंट किया? तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 1958 में जैक केल्बी ने, यानी कि इसका आंसर कौन होगा? ए, जैक केल्बी ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, राइट ट्रू और फॉल्स, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर ओनली इन द माइंड्स ऑफ एडवांस रिसर्च साइंटिस्ट, तो ये क्या होगा? ट्रू। ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस कंपोज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, तो ये भी क्या होगा? ट्रू, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलपमेंट फॉर द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है। द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड इन 1958 बाई सर मॉरिस वॉक्स, एक चीज तो इसमें मिल रहा है, ठीक है, 1950 में इन्वेंट हुआ था, बट जो इन्वेंटर थे ये नहीं थे, ठीक है। कौन थे? जैक केल्बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, द साइज स्टार्टेड टू गो डाउन विद द इम्प्रूवमेंट इन द इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में जो VLSI यूज हो रहा है वो भी उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो फिफ्थ में ULSI पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, ठीक है। तो डिस्क्राइब द फर्स्ट जनरेशन, ये पहला क्वेश्चन आपका है चैप्टर 2 का, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने होमवर्क को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। डिस्क्राइब द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, गिव एनी टू एग्जांपल, ठीक है। पहले जनरेशन की जो पीढ़ी है उसके बारे में वर्णन करना है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, फॉर मेमोरी एंड वेयर ऑफन एनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम इन एक एंड यूनिक आर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, बिजली, ठीक है, और पूरा रूम क्या हो जाता था, गर्मी से वो इतना इलेक्ट्रिसिटी लेता था कि हीट हो जाता था, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन है? ये आपके इनैक और यूनिवैक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर द डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल सर्किट विच वेयर कंपोज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, नेम इन टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिसएडवांटेज, अब आंसर है डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल सर्किट, ठीक है। अब जो डिजिटल सर्किट्स हैं यानी कि वैक्यूम ट्यूब इसको बोल सकते हैं हम,
अब डिसएडवांटेज क्या थे कि हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज जनरली रिक्वायर्ड, इसे ज़्यादा वोल्टेज चाहते थे, ठीक है, इसको इस कंप्यूटर को चलने के लिए। और दूसरा चीज़ कि पावर कंजम्पशन नीड्स हीटर सप्लाई दैट जनरेट्स वास्ट एंड हीट इज लोअर एफिशिएंसी नोटेबली फॉर स्मॉल सिग्नल सर्किट्स, ठीक है। दूसरा कि बिजली का खपत ये ज़्यादा लेता था और हीट ज़्यादा करता था और काम ये कम करता था। और टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर, पहला क्या है कोबोल यानी ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दूसरा क्या है फोरट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड सर्किट, हु इन्वेंटेड इट, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड जनरेशन, ठीक है। आईसी क्या है और इसे किसने इन्वेंट किया, और कोई दो जनरेशन थर्ड जनरेशन का कोई दो कंप्यूटर का नाम बताइए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ कंबाइंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। आईसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का एक कंपोनेंट है ऑन टू अ स्मॉल सिलिकॉन डिस्क मेड फ्रॉम अ क्वार्टर्स, ठीक है। जो आईसी है सिलिकॉन से बनी हुई एक चिप है जो कि बेस्ड, ठीक है, आईसी जो फिट होता है हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कंप्यूटर को चलने के लिए। इसको बनाया किसने था, आईसी वॉज इन्वेंटेड इन 1958 में बनाया गया था, किसके द्वारा, जैक एल्बी के द्वारा, ठीक है। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल क्या है, आईबीएम 360, आईबीएम 168, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज यूएलएसआई, ठीक है। यूएलएसआई इज यूज इन फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में यूएलएसआई मैंने बताया कि यूज होता है। तो अब ये होता क्या है, यूएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट बाय कंबाइनिंग मिलियंस ऑफ एमओएस ट्रांजिस्टर ऑन टू अ सिंगल चिप, ठीक है। वीएलएसआई क्या है, ये एक क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जिसपे मिलियंस ऑफ एमओएस यानी कि ये मिलिट्री वालों का, जो यूएस मिलिट्री का एक कोड होता था जो को दिया जाता था, ठीक है। तो उस पर ये बेस्ड है और जिस पे उस वीएलएसआई पे मिलियंस ट्रांजिस्टर जो उस पर लगे होते थे कंप्यूटर को चलने के लिए। दूसरा क्या है, व्हाट इज यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एम्बेडिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप, ठीक है। उसमें चिप होते थे, अब क्या है, सिंगल चिप थी, इसमें क्या है, माइक्रोचिप है, ठीक है। उससे भी छोटे जो सिलिकॉन के चिप होते थे और उस पर ट्रांजिस्टर, तो उससे भी ज़्यादा होते थे, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को चलने में और आसान बनाते थे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो पहला क्या है, आई बी एम पी सी स्टार 1000, ठीक है, ओके। डिस्क्राइब द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर ओनली इन द माइंड्स ऑफ एडवांस रिसर्च साइंटिस्ट एंड बींग टेस्टेड आउट इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है अभी इस पर, ये अभी थोड़ा सा उसका झलक अभी है भी और अभी अंडर ये डेवलपमेंट है, ठीक है, अभी अभी इस पर काम भी चल रहे हैं, ठीक है, लैब में अभी इसके ऊपर काम भी चल रहे हैं। दिस कंप्यूटर विल बी अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस जनरेशन के कंप्यूटर क्या होंगे, आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस के अंडर में होंगे, ठीक है, इस पर बेस्ड होंगे, जो कि थिंक लाइक अ ह्यूमन बींग, जो कि मनुष्य की तरह सोच सके, अभी तक जो है कि मनुष्य की तरह वो सोच समझ नहीं सकते, ठीक है, इसको बनाया जा रहा है ताकि वो उसकी तरह सोच समझ सके मनुष्य की तरह, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, अमेजोन का जो एलेक्सा आता है वो भी टोटली आर्टिफिशियल पे नहीं है, बट आर्टिफिशियल का थोड़ा सा झलक उसमें भी है, जो अमेजोन का एलेक्सा है और गूगल असिस्टेंस जो आपके मोबाइल में है, ठीक है, ये सभी आर्टिफिशियल की एक छोटे से पार्ट हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल इन फॉलोइंग जनरेशन, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम आपको लिखने हैं, सेकेंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे, थर्ड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर थे और फोर्थ, ठीक है। इन जनरेशन के कंप्यूटर के नाम आपको
लिखनी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पीछे जाके वीडियो में आप ध्यान से देखिए और वीडियो को देखकर उसके बाद इसका आंसर आप लिखिए, ठीक है। आप कमेंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में भी इसका आंसर लिखिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स, बाय बाय।